दोस्तों, ये जो 15 से लेकर के 20 हज़ार का प्राइस सेगमेंट है ना, इसके अंदर कंपटीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हम लोगों को हर एक स्मार्टफोन ब्रांड की तरफ से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स देखने को मिल रहे हैं। और इन सारे कॉम्पिटिशन्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम नॉर्मल कंज्यूमर्स को ही होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और इन कॉम्पिटिशन की वजह से ही हमें इतने अच्छे स्पेसिफिकेशंस इतने कम प्राइसों में देखने को मिल रही है। और अब तो हुआवी ने भी अपना हुआवी का Y9 प्राइम लॉन्च कर दिया है, 2019 का वर्जन, वो भी 16,000 रुपये के प्राइस में। और इसीलिए आज मैं उसका कंपैरिजन करने वाला हूँ रेडमी नोट 7 प्रो के साथ में, जो आता है हमें 14,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप लोगों के लिए कौन सा स्मार्टफोन है इन दोनों में से बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन इन दोनों फ़ोनों के डिस्प्ले से। हुआवी Y9 प्राइम के अंदर आपको 6.59 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये एक IPS LCD पैनल है। और वहीं पर आपको रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये एक डॉट नॉच के साथ में आता है। और हुआवी के फ़ोन के अंदर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलता, ये एक फुल व्यू डिस्प्ले है। दोनों की डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, दोनों के व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं, दोनों के ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर अगर आपको कोई बड़ा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग हुआवी Y9 प्राइम के साथ में जा सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न लुक देता है फ़ोन को, क्योंकि इसके जो बेजल्स है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इन दोनों ही फ़ोनों की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के मामले में रेडमी नोट 7 प्रो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है हुआवी Y9 प्राइम के कंपैरिजन में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हुआवी का Y9 प्राइम है ना, वो भी काफ़ी बढ़िया लुक्स के साथ में आता है, काफ़ी अच्छे ग्रेडियंट कलर्स के साथ में आता है, पर वो एक प्लास्टिक का बॉडी है, यानी कि उसके अंदर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर हमारा जो रेडमी नोट 7 प्रो है ना, उसके अंदर आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिल जाती है और वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में। और दोस्तों, अब आते हैं इन दोनों के परफॉर्मेंस के बारे में। रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन का 675 का चिपसेट देखने को मिल जाता है और ये जो चिपसेट है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है ये आप लोगों को पता है। और वहीं पर अगर मैं हुआवी Y9 प्राइम के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर आपको हुआवी का खुद का किरिन का 710 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। पर ये जो चिपसेट है ना 710 थोड़ा सा एडवांस है 710F के नाम से, पर फिर भी ये जो प्रोसेसर वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। लेकिन इसकी कंपैरिजन अगर मैं स्नैपड्रैगन के 675 से करूँ तो ये उससे थोड़ा सा पीछे रह जाता है। पर ये जो किरिन का 710F का चिपसेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है बैटरी के मामले में। इसी वजह से इस फोन के अंदर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है अगर आप उसको रेडमी नोट 7 प्रो के साथ में कंपेयर करें तो। रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर भी काफ़ी अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी, दोनों के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, जो बैटरी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है हुआवी का Y9 प्राइम, इसलिए अगर आपको कोई भी अच्छा बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो हुआवी का Y9 प्राइम के साथ में आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर आपको एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए, आप लोग आपके स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करते हो, तो आप लोगों को रेडमी नोट 7 प्रो के साथ में जाना चाहिए। और इन दोनों ही फ़ोनों के अंदर आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और अब आते हैं इन दोनों फ़ोनों के कैमरा कंपैरिजन में। हुआवी Y9 प्राइम के अंदर आपको रियल में ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिल जाता है, एक 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और वहीं पर रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। ये दोनों ही फोन कैमरा के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं, पर रेडमी नोट 7 प्रो का जो कैमरा है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर निकल कर आता है हुआवी Y9 प्राइम से, क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर्स देखने को मिल जाते हैं और जो उसकी डिटेल्स है ना वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है हुआवी के फ़ोन से। और वहीं पर अगर आपको थोड़े से सैचुरेटेड कलर्स पसंद है, यानी कि थोड़े से बूस्टेड कलर पसंद है, तो आपको हुआवी Y9 प्राइम के साथ में जाना चाहिए। हुआवी 9 प्राइम के अंदर एक और ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरा के अंदर हुआवी Y9 प्राइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देता है रेडमी नोट 7 प्रो के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है और वहीं पर आपको रेडमी नोट 7 के अंदर 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसीलिए अगर आपको एक अच्छा सेल्फी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आपको हुआवी Y9 प्राइम के साथ में जाना चाहिए। और जो हुआवी का Y9 प्राइम है ना, उसका जो प्राइम बेस वेरिएंट है ना दोस्तों, वो 16,000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला। और वहीं पर रेडमी नोट 7 प्रो का जो बेस वेरिएंट है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला, उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है आपको 14,000 रुपीज़ से। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों का ये फ़ोन कैसा लगे और आप लोगों को इन दोनों ही फ़ोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल